देखिए राज्यों और स्थानों में भेजे गए और प्रश्नावली नंबर जो पर आपने संसद की अरे और कौन वाले उसमें मैं क्या लू मुझसे कौनों की जो आपत्तियां थी उसके बारे में पढ़ने थे और प्रश्नावली 6.1 की कुछ से क्वेश्चन आरंभ किए थे तो आज भी प्रश्नावली 6.1 में कुछ से और कुछ आपत्तियां बची हैं उसके बारे में जो विशेष आपत्तियां उसके बारे में बता देता हूँ आपको। बाकी बचे क्वेश्चन आपने आप नोटबुक में नोट कर लोगे। आपने पास एक आपत्ति है आपत्ति में कौन पी क्यू आर और पी क्यू आर बराबर है कौन पी आर टी पी क्यू आर कौन बराबर है कौन पी पी क्यू आर बराबर है कौन पी आर क्यू पी आर क्यू के ये कौन के बराबर है हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि कौन पी क्यू एस कौन पी क्यू एस बराबर है कौन पी आर पी के आकृति दी हुई है और आकृति हमें ये बात सिद्ध करनी है यहाँ बिंदु P है ये बिंदु Q है और ये बिंदु R है ये बिंदु P है ये बिंदु P है सॉरी S और ये बिंदु अपना P इस प्रकार ये बिंदु बने हुए हैं और इस आकृति में यह आकृति दी गई है। इस आकृति में कौन पी क्यू आर यह है कौन पी क्यू आर जिसको हम एक नंबर से प्रदर्शित करते हैं कौन पी क्यू आर बराबर है कौन है पी आर क्यू के यानी इस कौन को हम दो नंबर कौन सी भी कर देते हैं कौन नंबर एक बराबर है कौन नंबर दो हम यहां लिखते हैं दिया गया है कि कौन एक बराबर है कौन नंबर दो हमने इसके संकेतों में बिंदु लगा दिए ये कौन नंबर तीन कर देते हैं और ये कौन नंबर चार कर देते हैं। हमें सिद्ध करना है दिया गया है कि कौन एक बराबर कौन दो है और सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है कि कौन चार बराबर कौन तीन यानी हमें ये दिया गया कौन एक बराबर कौन दो है और कौन तीन बराबर कौन चार हमें सिद्ध करना है और तीन दो तीन चार ही कौन की जो नाम है उसके लिए हमने संकेत रख दी है।
तो अब हमें शिफ्ट करने के लिए जो दिया गया बिंदु है उसका योग लेंगे और सबसे पहले उत्पत्ति लेंगे। उत्पत्ति का तुम्हें कल बताया था, इसका प्रूफ है, गवाह है कि साक्ष्य साक्ष्य है। इस साक्ष्य के आधार पर हमें ये शिफ्ट करते हैं। तो उत्पत्ति के अनुसार कौन नंबर चार प्लस कौन नंबर एक बराबर 180 डिग्री, इसका कारण आप समझ गए होंगे। कल आपको बताया जा चुका है कि सरलरेखा है ये, और इस सरलरेखा पर एक स्थिरभुज के अंदर वाला कोण बना है, दूसरा स्थिरभुज के बाहर कोण बना है। यानी सरलरेखा पर कोण नंबर एक और कोण नंबर दो PQ रेखाखंड के द्वारा जो कि दोनों के उन्मिष्ट होता है और कोण बन रहे हैं, ये समय की युगम है। इसको समीकरण नंबर एक बना देते हैं और ये सरलरेखा की युगम है। ये समय की युगम है और समय की युगम तुम्हें पहले बताया जा चुका है कि समय की युगम के अनुसार कौन बन रहा है। फिर कोण नंबर तीन प्लस कोण नंबर दो बराबर की 180 डिग्री, क्योंकि ये भी दोनों एक सरलरेखा बन रहे हैं, इसलिए ये भी सरलरेखा है। हो गया और ये शिफ्ट करना था।
पढ़ चुके हैं तो